माशाल्लाह से हम ओहद से अब वापसी मदीना शरीफ की तरफ जा रहे हैं, और वो सामने देख सकते हैं कि मदीना शरीफ के मेंबर आपको नज़र आ रहे होंगे कि माशाल्लाह से अल्लाह ने मुझे दोबारा अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ला, और मुझे ये सआदत मिली है। और ये बस यहाँ पे ये सामने जो है ना, ये जो देख सकते हैं पुरानी, अगर कोई आए हैं उम्र पे उनको पता है, हज और उम्र पे आने वाले लोगों को ये सारे जो है ना बंगाली मार्केट, जैसे बंगाली मार्केट कहा जाता था, और ये काफ़ी इन्होंने ख़त्म कर दिए। देख सकते हैं यहाँ पे भी इन्होंने काम चल रहा है, ये सारी बंगाली मार्केट कैसा था। और यहाँ पे बाहर ये जो अभी इन्होंने मतलब शॉप वगैरह बनाए, यहाँ पे सारी बस स्टाफ होती थी, जितनी बनी हुई यहाँ पे आके बस खड़ी होती थी। काफ़ी इन्होंने सही कर दिया, काफ़ी बड़ा कर दिया। और फिर आपको पता है कि मदीना शरीफ की तो फिर बात ही कुछ हो रही, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी रश, आम दिन हो या माशाल्लाह से ये देखें मस्जिद नबी की जो है ना, काफ़ी इन्होंने तामीर किया है, और काफ़ी हिस्सा इन्होंने सही किया है, बहुत खूबसूरत कर दिया है। वैसे भी बहुत मदीना तो है ही बड़ा खूबसूरत शहर, ऐसे कहा जाता था पुराने दौर में यसरब का शहर, और ये हमारे आका दो जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ है। ये देखें इन्होंने ये फ्रेम भी बनाई हुई है, बड़ा खूबसूरत कर दिया, बहुत बहुत ज़्यादा, पहले से ज़्यादा इन्होंने खूबसूरत कर दिया। और अभी हम जो है ना पहले मदीना शरीफ के रोज़े की तरफ हम जाने की कोशिश में थे, पर हमने कहा नाश्ता कर लें, क्योंकि अभी टाइम 4 बजे, फिर 5, 5:15 बजे नमाज होगी, तो फिर एक ही दफ़ा जाएँ वजू करके ताजुद कर नमाज़ पढ़ें, फिर रोज़े रसूल को हाजिर दें, क्योंकि यहाँ बस ने बहुत कम टाइम दिया है, 6 घंटे लगभग पैकेज की बस थी, तो फिर उसी बस से हम दोबारा निकलेंगे मिकात की तरफ। यहाँ मदीना की मिकात से हम जो है ना एहराम डालेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ने कबूल किया अपनी बरगाह में। तो ये सारे दोस्त मेरे साथ थे, अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं। तो ये बाहर आप होटल के अंदर देखें, सारे यहाँ ये जितने बड़े बड़े होटल हैं पास इस वजह से हैं कि लोग कहते हैं करीब में इबादत भी हो जाए और ज़्यादा दूर भी ना हो। तो ये सारा सभी जो हिस्सा है यहाँ पे जो है ना, होटल काफ़ी महंगे हैं पर बहुत ज़बरदस्त, और आप फिर ऊँचाइयाँ देखें कि बहुत ज़्यादा। और अभी हम जो है ना नाश्ते की तलाश में निकले हैं, नाश्ता ढूंढ के। और यहाँ मैं किसी ने बताया कि सामने वाली जगह पिलोरी होटल है, पर वहाँ गए वो भी बंद था, तो अभी तक हम ढूंढ ही रहे थे। तो देख सकते हो यही सिस्टम, ये जो इन्होंने क्रीम की साइकिलें यहाँ खड़ी की हैं, ये पहले ये सिस्टम पहले दुबई में था, अब सऊदीया में भी आ गए। काफ़ी डिलेवल काफ़ी बेहतरी की तरफ, सऊदीया में काफ़ी तरक्की याफ्ता काम हो चुके हैं, और बहुत ज़बरदस्त देख सकते हैं फर्स्ट, ये सारा रोड था इन्होंने सारा इसको फर्श कर दिया गया, मतलब इसको काफ़ी बढ़ा दिया है, और चलने के लिए आसानी हो गई है। होटल के मंजर देखें, और अभी हम जो है ना नाश्ता करके, नाश्ता तो खैर इस मिला नहीं, समोलियों से काम चलाया, तो यहाँ नॉर्मल लेशे नाश्ता हमने फिर बाद में करना था। और अभी हम जो है ना रोज़ा रसूल की तरफ दाखिल होंगे इंशाल्लाह, और फिर आपको साथ साथ आगे बताते चलें इंशाल्लाह। अब हमारे साथ में आप सबकी दुआओं की दरख्वास्त, और आपको आपके लिए भी दुआएँ की जाएंगी जिन जिन्होंने मुझे दुआओं को कहा है इंशाल्लाह। तो देख सकते हैं ये मदीना की गलियों में घूम रहे हैं आका दो जहाँ नबी पाक सल्लम की ये शहर और उनकी गलियों में सहाबा की जो गलियाँ, अभी तो हम यहीं घूम रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे आप हमारे साथ में बने रहें, और ज़रूर आपको आगे बताते रहेंगे। कुल्लू शहर दो दो रियाल दी आप तो बड़े बड़े जमीन बड़े बड़े जमीन नहीं पड़े।
ماشاءاللہ ہم روضہ رسول مدینہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. سبحان 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 میرے رب کی شان, اس نے مجھے دوبارہ توفیق دی اور اپنے پیارے آقا ہمارے دو جہاں سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری دینے کے لیے. اور یہ ابھی گیٹ نمبر ہم 20 اور 21 کے درمیان ہے. فون مارو عمر فون. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا وضو کرنا دے چلے نا یا پھر دے کے آؤں پہلے چل دے دینا اس پہ جان ویڈیو بند کر رکھ دس بے ماشاءاللہ یہ ترکیاں سن بڑائی ہے ترکیاں اس ٹائم ترکیاں بڑھائی گئی ترکی کی حکومت آسی پھر اہل سعود سے بڑھائی ہے نا 95 پہ میں اہل 85 پہ اہل سعود Thank you.
ماشاءاللہ. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ بھی کاد تک کھڑے ہوئے ہیں اور سارے بھائی چلو نا سب چلے گئے بچوں بھی اس میں کھیلنا ہے اس لیے نہیں میرے کا میکات دیکھ سکتے ہیں مدینے کے میکات سے ہم لوگ نکل رہے ہیں سامنے 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 آدھا طریقہ آدھا سامنے سامنے جاؤ آپ کو پہن کے رہتا ہو سامنے جاؤ گھر پہن کے رہتا ہو ماشاء اللہ سے میں نے احرام ڈال کے آپ دیکھ سکتے ہیں میری یوٹیوب فیملی کے لیے دیکھ سکتے ہیں اور میں ابھی اندر کی طرف آ چکا ہوں اور ماشاء اللہ نام جج کر رہے ہیں آپ کے بھائی کو کیسا لگ رہا Thank you.